इस बच्चे के बारे में मुझे राहुल जी ने फोटो भेजी इंद्री के पास कोई गांव था कि ऐसे बच्चे को रोड पे छोड़ा हुआ है। मुझे देख के बहुत दुख लगा। देखो एक्चुअल में ये डॉग ऐसे होते हैं, लेकिन क्या इस बच्चे की हालत कर दी है। इस वीडियो में मैं आपको इसकी पूरी जर्नी दिखाऊंगी कि कैसे हमने इसको पिक किया। और जब भी मैं कोई ऐसी वीडियो डालती हूँ तो बहुत से लोग हमारी हेल्प के लिए हमें मैसेज करते हैं, कई बार मैं रिप्लाई नहीं कर पाती। तो जो भी इन बच्चों के लिए फूड भेजना चाहता है या इनके इलाज में कोई भी कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहता है, तो दोनों डिटेल्स मैंने मैंशन की हैं, तो आप कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो नेक्स्ट डे मैं इस बच्चे को ढूंढने के लिए इंद्री के पास जो गांव था उसके लिए घर से निकली, और मन ही मन मेरे को बहुत दुख हो रहा। तो मैं उनकी बताई लोकेशन पे जब वहां जाके पहुंची, तो ये वो पेट्रोल पंप है उस गांव में, तो इनसे मैंने बातचीत की। कितने दिन से आपके पेट्रोल पंप पे है? 7 दिन से खाली है। 7 दिन हो गए। इसको किसी को इन्हें छोड़ते देखा या कहाँ पड़ा हुआ था? नहीं, ऐसे पंप पे ऐसे बट फिर 7-8 दिन से, तो कल ये पंप पे आया था। ठीक है, चलो। कौन सा क्या इलाका पड़ता है? जनेसर इंद्री के पास है। ठीक। तो जब हम इस डॉग को ढूंढ रहे थे, पहले तो हमें मिल नहीं रहा था, और जब हमें मिला तो देखो कहाँ मिला। बेचारा कमाद के अंदर एक झाड़ियों में बिल्कुल अंदर जाके ये बैठा हुआ था। इसको आवाज लगाई, ये बच्चा बाहर आया, और पता नहीं ये कितने दिन से भूखा था। बाहर आते ही इसने इतनी स्पीड से बहुत सारा इसने खाना खाया। मतलब इसकी हालत देख रहे हो। मैं सच बताऊं, मेरे घर में ना जगह नहीं है इस टाइम पे। मेरे घर में 40+ डॉग हो चुके हैं, मैं इतनी मुश्किल से मैनेज कर रही हूँ। मैं इस बच्चे को वहाँ जस्ट दवाई देने के लिए गई थी, क्योंकि मैं इसे घर नहीं ला सकती थी। लेकिन जब मैंने इसकी ये हालत देखी, मेरे से रुका ही नहीं गया। मैंने ये सोचा कि मैं इसको अगर यहाँ दवाई दे के छोड़ गई तो ये सर्वाइव कैसे करेगा। तो खाना खाने के बाद ये दोबारा अंदर चला गया। मैं इसको पकड़ने के लिए दोबारा अंदर गई। एक्चुअली जब मैं कोई डॉग रेस्क्यू करने जाती हूँ ना, अगर वो मेरे को दिख जाता है तो मैं उसको अपनी नज़रों से दूर नहीं जाने देती जब तक मैं उसको पकड़ ना लूँ, रेस्क्यू ना कर लूँ। क्योंकि मुझे ये होता है कि अगर ये मेरी नज़रों से दूर हो गया तो दोबारा मेरे को कभी भी नहीं मिलेगा। तो इस बच्चे को पट्टा वगैरह डाला मैंने, तो बाहर निकालने की कोशिश की, बट ये आ नहीं रहा था। और मुझे ये फील हो रहा कि जिस जगह पे ये बच्चा था उसके आसपास इतनी दुकानें हैं, घर भी हैं, बहुत बड़े बड़े घर हैं, लेकिन कोई इस बच्चे को थोड़ी सी जगह नहीं दे सकता था घर के अंदर, या कोई इसका इलाज नहीं करवा सकता था। मैं ना बहुत बार लोगों को बोलती हूँ, मैं क्या सम टाइम क्या होता है, कोई इलाज नहीं करवा सकता तो मैं करवा दूंगी, लेकिन मेरे को थोड़ी सी जगह दे दो बच्चों को रखने के लिए। लोग ऐसे हैं ना, तो वो इलाज करवाते हैं, ना वो फोस्टर करते हैं, ना वो गाड़ी में बिठा के डॉक्टर के पास लेके जा सकते हैं, वो कुछ भी नहीं करते। और जब मैंने इसकी हालत देखी ना यार, मैं इसको छोड़ नहीं पाई वहाँ पे, क्योंकि मेरे को इसको देख के ना जैम्बो की याद आ गई। जब जैम्बो अपने आखिरी वक्त में था ना, उसको किडनीज की प्रॉब्लम हो गई थी, तब उसकी सेहत ऐसी थी, वो दुबला पतला हो गया था, फिर भी इस बच्चे से मोटा था। लेकिन इसकी सिचुएशन देख के मेरे को इतना फील हुआ कि कितना बुरा हाल कर दिया इस बच्चे का। ये एक्चुअल में खुद तो आया नहीं होगा चल के यहाँ पे। लोग पहले इनको खरीद के लाते हैं कैनल से, और बहुत से लोग ऐसी ब्रीड्स को प्रमोट भी करते हैं खूब, देखो कितने फ्लफी डॉग हैं, सुंदर डॉग हैं। तो देख लो कि ऐसे डॉग्स का क्या हाल किया जा रहा है। मेरे को सच में शर्मिंदगी आती है जो ब्रीड्स को प्रमोट करते हैं। आप क्यों करते हो? आप लोगों को अडॉप्ट करने की सलाह क्यों नहीं देते? ये बच्चे बर्फ में एसी में रहने वाले हैं, मतलब क्या ये बेचारा पैलियों के अंदर पड़ा हुआ है, मिट्टी में पड़ा हुआ है, मक्खियां मच्छर, क्या हाल कर दिया इस नन्हे से बच्चे का। क्यों तुम लोग शौक शौक में पहले इनको लेके आते हो इनके बुढ़ापे में, और जब इनको बीमारियां हो जाती हैं इलाज करवाने की बजाय सड़कों पे फेंक देते हो? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? जरा सा परमात्मा से डर नहीं लगता कि कल को तुम्हारे कर्मों की सजा भी तुम्हें मिल सकती है? तुम लोगों ने इन बच्चों को एक खेलने का जरिया समझ रखा है, किसी को एंटरटेनमेंट के लिए चाहिए, किसी को घर की शोभा बढ़ाने के लिए चाहिए, किसी को, किसी के बच्चे जब होते हैं उनको डॉग चाहिए, है ना। तुमने इनको खिलौना क्यों समझ के रखा है? ये भी हमारे बच्चों की तरह होते हैं। जैसे हमें ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव तक साथ चाहिए, खाना चाहिए, प्यार चाहिए, दवाइयाँ चाहिए, ऐसे इनको भी चाहिए। जैसे केज के बाद हमारे शरीर में कमियाँ आनी शुरू हो जाती हैं, हमें दवाइयाँ लग जाती हैं, ऐसे इन बच्चों को चाहिए होती हैं। ये महज या 2-3 साल के लिए खिलौने नहीं होते जो आपने खेला और इनको फेंक दिया कहीं भी। इनमें भी जान बसती है।
जब हम बीमार होते हैं हम हॉस्पिटल क्यों जाते हैं, तो आप इनको क्यों नहीं लेकर जा सकते? अगर आपने इनका यही हाल करना है तो पहले इनको घर में मत लाया करो इनसे झूठे वादे करके, क्योंकि जो भी आप करते हो ना इस ज़िंदगी में, इस जन्म में, आपको वो भुगत के वह यहाँ से जाना है। इसलिए ना इस हद तक इन बेचारों को टॉर्चर मत करो। और सच बताऊँ, ये बच्चा जब घर आके रात को ये सोया है ना, इसका फेस देख के मेरे को इतना सुकून मिला और मेरे को मैं फील हुआ, मैंने कहा देखो कितने आराम से सो रहा है ये। कितने दिन इस बेचारे ने वहाँ धक्के खाए सड़कों पे, रोटी मिली नहीं मिली। इतने बड़े डॉग का, इतनी बड़ी ब्रीड्स का एक पार्ले जी बिस्कुट से पेट नहीं भरता। तो सच में यार, मत इनको प्रमोट करो, मत ये कैनल से डॉग खरीदने जाओ, क्योंकि तुमने ना डॉग खरीद खरीद के इनकी ज़िंदगी को बदतर बना के रख दिया है। कभी कैनल्स पे जाके दूसरे डॉग चेक करना जो इनकी माएँ होती हैं वो कहाँ हैं, क्या पता ये भी किसी कैनल से आया हो, इसको पहले ब्रीडिंग के लिए यूज़ किया जाता हो, जब इसने बच्चे पैदा करवाने बंद कर दिए इसको फेंक दिया गया हो क्योंकि यूज़लेस हो गया। और आज जब ये बच्चे किसी फ़ायदे के लिए नहीं रहते तो क्यों वो लोग इनको बर्डन बना के इनको खाना दें, इनकी पोटियाँ साफ़ करें? क्योंकि आज की जो दुनिया ना ये मतलब ही है, जब तक किसी चीज़ से फ़ायदा मिलता है ना तब तक लोग उसको रखते हैं। गायें जब तक दूध देती है तब तक अच्छी है, और जब वो दूध देना बंद कर देती है उसको आवारा बोल दिया जाता है क्योंकि लोग उसको सड़कों पर डंप कर देते हैं। तो जितना भी आप ये बेजुबानों को परेशान कर रहे हो, टॉर्चर कर रहे हो, घरों से निकाल रहे हो, इनके बुढ़ापे में, इनकी बीमारी में, जब इनको सख्त केयर की ज़रूरत है, तो इन बच्चों की बददुआएं भी खाली नहीं जाती और दुआएं भी खाली नहीं जाती। जो इनकी सेवा करता है ना भगवान उसको खूब देता है, और जो इनको दुखी करता है ना भगवान उनका सब कुछ छीन लेता है, हमेशा याद रखना। और जो भी आप ये गुनाह कर रहे हो ना, इनकी सज़ा इसी जन्म में हमें मिलनी है। इसलिए जो भी करते हो सोच समझ के किया करो। ये भिन झोली के फ़कीर हैं, ये कुछ नहीं मांगते आपसे, थोड़ा सा प्यार और खाना मांगते हैं, इसके बदले आपको लाखों करोड़ों दे के जाते हैं। तो इनको मत दुखी किया करो, इनसे नहीं तो भगवान से डर लो थोड़ा सा। और हाँ एक बात और, ये बच्चा डंडा देख के इतना डर जाता है मैं आपको बता नहीं सकती। मैं सफाई करने के लिए वाइपर अगर पकड़ती हूँ तो ये उसको देख के नीचे सहम के बैठ जाता है। सोचो कि इस बच्चे ने कितनी मार खाई है उसके बाद इसको डंप किया गया है।